थोड़ा तत्वबोध नहीं देख लो, तुल्यास प्रत्यय का पहला, फिर आगे जाते हैं। तुल्यास्य आस्य भवम आस्य शरीर अवयवादी प्रत्याह तालवादी आस्य भवम से आश्रम शब्द बना समास बने तद्धितान प्रत्यय होकर के ये शरीर वायुदस्य प्रत्यय हुआ है वहां पर तत्र भवार्थ में, तो हलो यम लोप से कार्य लोप होकर के आस्य शब्द बन गया, उसका अर्थ हो गया तालवाद स्थान। आभ्यंतर यदि ये तच्च प्रशब्द बलात् लभ्य थे, अपने आभ्यंतर को क्यों लिया बाह्य को क्यों नहीं, क्योंकि प्रशब्द के बल पर जो यहाँ हम बाह्य को छोड़ करके आभ्यंतर को लिया। ओष्टा प्रवृत्ति प्राग का कलक का दास्यम कहते कहां से कहां तक आश्य है आपका थोड़ा बताइए। भाष्यकार कहते हैं ओष्टा प्रवृत्ति ओष्ट से आरंभ होगा और आ का कलक पर्यंत जो क्षेत्र है वो सब आश्य का कलक किसको कहते हैं, यहां जो आपके कंठ में बीचों बीच में ऊंचा सा हो जाता है थोड़ा हर व्यक्ति का, ये जो है इसका नाम काकल है। तो होंठ से लेकर काकल क्यों कंठ यहाँ है ना, कंठ मूल जीवा मूल यहाँ आएगा, इसलिए यहां तक का नाम पूरे का नाम आसु शब्द से लिया जाएगा। इसी के अंदर आठ स्थान जो वर्णन किए जा रहे हैं कंठ आदि सिचुएशन नाम तालु इत्य सारे इसके अंदर आते हैं। ग्लैंड से लेन देन नहीं, एक स्थान बता दिया आसु का पहचान के लिए, यहां से यहां तक स्थान बता इस जगह तक अंदर ही अंदर भवम मैंने भीतर आशीय भवम सप्तमी है, मुख से लेकर यहाँ जो गांठे बीच के प्रदेश में ही ये सारे स्थान है जहां से वर्णों का उच्चारण। तुल्यास्यम किम तुल्यास्य क्यों का तरपता कर दिया, तरपता तरपता कहां का है लुट लकार त्रिप धातु से लुट लकार में तृप्ता तर्प गुण हो गया तर्पता बन गया है कि नहीं, तो अत्र पकार से तकारे परे झरो झरी लोप माभूत, पकार को तकार के परते हुए झरो झरी सवर्ण से लोप ना हो गए, क्योंकि यहां सवर्ण संज्ञा ना होता तुल्य आश्यों के तुल्य ना ध्यान देते सवर्ण संज्ञा में, केवल प्रायत्र की हम सादृश्यता लेते फिर क्या होता प और त दोनों का स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा, कहते होंगे कि प्रयत्न है ना कार्यो मांस अनुस्पर्शा स्पृष्ट प्रयत्न वाले हैं ये सब, स्पृष्ट प्रयत्न रूपी सादृश्यता के कारण से इन दोनों में स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा और जड़ो जो स्वर्ण से स्वर्ण के प्रति झरक लोप हो जाएगा, वह न हो इसलिए आश्य भी तुल्य होना चाहिए। जब आश्य तुल्यता कहोगे तो आश्य तुल है नहीं यहाँ, कि प का स्थान कौन है उपद्म दिया ना ओष्ठ पत्रकार दंत है, दंत और वोष्ट स्थान भेद के कारण से इन दोनों के परस्पर संज्ञा नहीं होगा, ये लाभ हुआ। इसी प्रकार से प्रयत्न ग्रहण किम आभ्यंत प्रयत्न क्यों कहते केवल आशी की तुलना में रख दो इतने से श्रवण संज्ञा हो जाए, कहते वाक्चोतति अत्र शस्य लोपो न वाक्चोतति, यहां पर क्या है क श च है क श च क्रम से है ना, यह श और च ये दोनों क्या है दोनों का आशी तुल्य इचुयशाना तालु शकार का भी है उसका भी है, इसे क्या होगा दोनों का सवर्ण संज्ञा हो जाएगा है कि नहीं। यहां पर वही झरो झरी सवर्ण से जो है सवर्ण जो आपका अच्छा के परते हुए तालवे शकार का लोप होने लग जाएगा और न हो इसलिए प्रयत्न ग्रहण कर दिया, तो प्रयत्न बिन क्या है शकार ईश स्पृष्ट है और उधर चकार स्पृष्ट है ना स्पृष्ट है ना, यहाँ तो वो नहीं ना ईश विवृत नहीं रहता है शल का एक ही लिया ना इन्होंने स्पृष्ट ईश स्पृष्ट विवृत ये लिए रहे संवृत भेदात, नहीं तो आज शल क्या था ईश विवृतम लिया था अब शल को यही लेना पड़ेगा। अब आए स्थानों में पहुंच गए यमगणाम नासिका चेति चकारेण स्वस्व वर्गानुकूलम तालवादि समुच्चियते, चकार के द्वारा स्वस्व वर्गानुकूल जो तालवादि स्थान है उनको भी साथ जोड़ लिया जाएगा। एदे तोर इत्यादौ तप्रप्तम असंध्यार्थम एत और आयत कहने से क्या उनके धीर और प्लुतों की संज्ञा नहीं होगी,
कहते नहीं नहीं यहां तो तप पर जो ग्रहण किया असंदेहता के लिए, संशय न रह जाए। यदि एक को आई के प्रति क्या होगा, जो सही आदेश होगा अयही रूप बनेगा, अयही रूप में भ्रम हो जाएगा आदमी को, किसकी हम क्या करें, संघ क्या स्थान माना जाए। ये दई तो इत्यादो तप्रप्तम असंदेहार्थम न तत्काल ग्रहणार्थम, तत्काल को ग्रहण करने के लिए तप नहीं है। तेन प्लुतस्या संग्रह से प्लुतों को भी उसी स्थान से उच्चारण होगा ऐसे संग्रह करना चाहिए। चतुर्दशी निष्कर्ष पक्षे तो पंचधा, आ ना चार बार चार प्रकार कह दिया, निष्कर्ष पक्ष में क्या होता है पांच प्रकार, इस अधिवृत्त को भी मान लिया जाएगा। उष्मणाम ईषद विवृत प्रयत्न अभ्युपगमान, उष्मा संचक वर्णों का ईषद विवृत प्रयत्न को भी स्वीकार कर लिया गया इस वजह से। एतेषां आभ्यंतरत्वं वर्णोत्पत्ति प्राग भावित्वात्, अरे इनको स्पृष्ट ईशस्पृष्ट है कि नहीं, विवृत संवृत भेद जो कहा गया इनका नाम आभ्यंतर क्यों पड़ा, इन एतेषां आभ्यंतरत्वं वर्णोत्पत्ति प्राग भावित्वात्, वर्णोत्पत्ति से पूर्व भावी होने के नाते इनका नाम आभ्यंतर। अतः कब का ये प्रयत्न कहाँ होता है, कहां से कहां तक में होगा, नाभि से काकलक तक, नाभि से कालक काकल का बीच में जो वायु का एक प्रयत्न हो रहा है वो आभ्यंतर है, यहां से उच्चारण शुरू हो जाएगा उसका, वर्णोत्पत्ति हो गई, जहां टकराना शुरू हुआ वर्णोत्पत्ति हो गई। इसीलिए यहां से नाभि का बीच में जो प्रयत्न कर रहे हैं वर्णोच्चारण करने के लिए उस प्रयत्न को आभ्यंतर कहते हैं, वर्णोत्पत्ति से वो बाह्य प्रयत्न शुरू हो गया। और कुछ लोग क्या लेते हैं, ओंठ से यहाँ भीतर भीतर जो है वो आभ्यंतर है, अरे ओंठ से बाहर फिर प्रयत्न क्या रह गया, वैसे ही बोल देते हैं लोग उल्टा सीधा। उन्होंने पूछा बाहर कैसे होगा, बाहर वो आपके संवार विवार नाद घोष में बाहर थोड़े किया जा रहा है। ओ पंडित घबरा गए, क्या पूछ पड़ा है महात्मा, वो सुनते आ रहे सुनाते जा रहे हैं, आज तो कोई पूछा ही नहीं है भाई, विवार ना संवार नाद घोष आपने नाम लिया ना, और उदात्तम सुरित भी उसमें गिना दिया आपने बाह्य प्रयत्न में, और एक बाहर होएगा कि उदात्तम सुरित आप ही करो, उच्च ही उदात्त नीचे स्थानीय भाग्य सौभाग्य शु कह दिया, और फिर बाहर कहां से हो गया। इतना भी आदमी शब्दार्थ को सामान्य रूप में सोचता भी नहीं समझता नहीं, उपदन कैसे उल्टी परंपरा पढ़ाए जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या है, ये जो आभ्यंतर प्रयत्न है इसको हम कहते हैं मध्यमा वाणी से संबंधित, आभ्यंतर प्रयत्न मध्यमा वाणी का विषय है और बाह्य प्रयत्न वही खरी वाणी का विषय है। पश्चिम संकल्पात्मक होता है वो तो अंदर है या बाहर कुछ है नहीं, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं होता तो मानस है संकल्प। इसे इनका कहना है देखो, ये तेषाम आभ्यंतरत्वं वर्णोत्पत्ति प्राग भावित्व तथा ही कहा देखो, नाभि प्रदेश प्रयत्न प्रेरितो वायु प्राणो नाम ऊर्ध्वम आक्रमण उरह प्रवृत्तीनि स्थानानि आहन्ति, स्पष्ट लिख रहा है। नाभि प्रदेश से उठता है, आपकी प्रयत्न से प्रेरित हुआ नाभि प्रदेश में रहने वाला वायु, पेट में रहने वाला वायु ऊपर उठा, वायु प्राणो नाम ऊर्ध्वम आक्रमण ऊर्ध्व की ओर चढ़ते हुए क्या होता है, उरह प्रवृत्ति नहीं, उरह मने छाती आदि को टकराते हुए आ रहा है, उसी समय वो ऐसे चाल चलता है वायु जैसा उच्चारण आप करना चाह रहे हैं उसके अनुसार आकर टकराता है, यहीं से उस प्रयत्न शुरू हो गया। और उरह प्रस्थानानि आहंती ततो वर्णस्य तद्व्यंजक ध्वनिर्वा, उसी के बाद में वर्ण का अभिव्यंजक जो ध्वनि है वह इनसे टकराव करके प्रकट होता है, स्थानों से टकराव के वर्ण की उत्पत्ति मान लेते कुछ लोग, अतः वर्ण का अभिव्यंजक ध्वनि की उत्पत्ति मान लेते। तत्र उत्पत्ति प्राग यदा जिह्वाग्रोपाग्र मध्यमूलानि तत्र वर्णोत्पत्ति स्थानम तालवादि, उत्पत्ति प्राग यदा स्पृशन्ति, उत्पत्ति से पहले वायु आके क्या है स्पर्श कर रहे हैं, कहां कहां स्पर्श कर रहे हैं,
जीवा के अग्र को, उपाग्र को, मध्य को, मूल को, ये हो गया कर्ता। अतत वर्णोत्पत्ति स्थान कर्म तालवादी मूलानी तत्वर्णोत्पत्ति स्थान, स्थान क्या है तालवादी स्थानों को सम्यक स्पृशंती, जब सम्यक स्पर्श हो जाए तो वह स्पृष्ट प्रयत्न हुआ माना जाएगा। और ईशत यदा स्पृशंती तदा ईशत स्पृष्टता, थोड़ा ही स्पर्श करके फिर ध्वनि उत्पन्न हो गया तो ईशत स्पृष्ट कहा जाएगा। समीप अवस्थान मात्रे समृद्धता, और समीप अवस्थान मात्र हुआ वह समृद्ध प्रयत्न माना जाएगा। और दूरत्वे विवृत, दूर में स्थित होते हुए ही कार्य सिद्ध हो गया वहां विवृत प्रयत्न कहा जाएगा। अतएव इचुयशानां तालव्यत्वादिशेषेपि तालुस्थानेन सह जिह्वाग्रादीनां च वर्गोच्चारणे कर्तव्ये सम्यक् स्पर्शः यकारे ईश स्पर्शः शकारे कार्योस्तु दूरे अवस्थितिर् इति आदि अनुभवं शिक्षाकारोक्तिं चरुश्रुत्य विवेचनीयम्। इसीलिए क्या हुआ, इचुयशानां तालुका एक स्थान होने के बावजूद भी प्रयत्न भेद हो रहा है, क्योंकि तालुस्थानेन सह स्थान के साथ जीवाग्रादी नाम च वर्ग वर्गोच्चारण कर्तव्य, च वर्गोच्चारण जीवाग्रादी नाम संबंध होता है तो च वर्गोच्चारण कर्तव्य स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। और यकार ईश स्पृष्ट प्रयत्न हो गया, तालुषकार और इकार का उच्चारण दोनों के साथ ले रहे ना आप, इकार का उच्चारण करने में दूर अवस्थिति विवृत प्रयत्न हो गया। यह बात अनुभव से जानना होगा अथवा शिक्षाकार ने कहा है पाणिनि शिक्षा में इसलांग बंद करके स्वीकार करना है, तो एक तरीका है स्वयं अनुभव करो कैसे हो रहा है। अनुभव करना आसान थोड़ी है, इसके लिए बहुत ध्यान अभ्यास करना पड़ेगा। नादानुसंधान प्रक्रिया उसको कहते हैं, नादानुसंधान योग पुस्तक लिखा है, वो भी प्रक्रिया नादानुसंधान कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो अनुभव होने लगे अंदर स्पर्श। पहले वायु का स्पर्श अनुभव में आना चाहिए ना, जो वायु चल रहा है और उसके फर्क क्या हो रहा है उसका दृष्टि दर्शन होना पहले, तब उससे उत्पन्न नाद का तब भेद समझ में आए। इन्हें नादिकाल परंपरा से बाल जन काल से शिक्षा से ऐसे संस्कार घर में रहते हुए उच्चारण करने का मिल गया है तो बोले जा रहे प्रक्रिया पता नहीं। इन बोलता तो सभी बोलते सभी है ना, कौन नहीं बोल रहा है, बिना जाने बोले जा रहे हैं। कात्यायन के एक वार्तिक में सुना रहा हूं थोड़ा, आप यहां नहीं पुस्तक में, चत्वारश्च प्रयत्नास्युरक्षराणां तथैव च स्पृष्टेश स्पृष्टता चैव स्मृतं विवृतं तथा। कात्यायनी वार्तिक का एक कारिका है, उसे साफ लिख रहे हैं चार ही प्रयत्नों से, मैंने वार्तिककार के मत में चार ही, चत्वारश्च प्रयत्नास्यु रक्षराणां तथैव च स्पृष्टेश स्पृष्टता चैव स्मृतं विवृतं तथा। ये कात्यायनी वार्तिक, यदि भी इसके आधार पर चार ही है, कुछ लोगों ने और विशद करने के लिए बाल बुद्धि वालों के लिए पांच कर लिया। विवार संवार आदि वर्णोत्पत्ति पश्चात, आगे ना विवार संवार जो भाई प्रयत्न है वर्णोत्पत्ति पश्चात मूर्धनि प्रत्यति निवृत्ति प्राणाख्य, कब हो रहा है ये जो वायु टकरा कर मूर्धाशा में जो ऊपर का है हार्ट जो होता है मुंह में ऊपर को टकरा करके निकल जावे निवृत्ति प्राणाख्य वायु उत्पन्न इति बाह्य तुच्छन्ति, इसलिए उनको बाह्य नाम रखा। अरे सब पढ़े नहीं ऐसी बात ना, जो पंडित लोग उल्टा पढ़ा रहे हैं वो सब पढ़े हुए हैं, टिकांगो पढ़े क्या समझे भगवान, कई लोग तो है अब क्या करें जल्दी भी चाहते ना लोग, हमको पढ़ाने में 2 साल लगेगा इसको, 4 खंड पढ़ाने कम से कम लगेगा 2 साल। और हम भी पहले शुरू में 2 टीका पढ़ाता हूँ संज्ञा प्रकरण परिभाषा प्रकरण, बाद में 1 ही टीका पंचसंधि तक, जहां जरूरत है वहां तत्वबोध भी जाऊंगा, उसके बाद काफी सरल होते जाते आपको ही समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना कैसे पंक्ति लगाना, इतने में आपके भी दिमाग ट्रेन तो हो ही जाएगा, अपने आप बैठ के भी पढ़ के समझ पाएंगे आप, नहीं समझ पाएंगे अगले दिन अगर पूछ रहे भाई ये पंक्ति हमें नहीं लग रही,
हमेशा समय लगाना नहीं पड़ेगा, तब जाके दो साल में होता है। यदि चारों खंड दोनों टीका से पढ़ाऊंगा तो 8 साल लगेगा। हाँ पढ़ा, कई बार पढ़ा चुका हूँ। सर्वेशान जी को भी पढ़ाया है, इसके बाद भी दो ग्रुप पढ़ाए हैं, ये जो कल आए थे प्रणवान जी भी सब सिद्धांतों में पढ़े हमसे, वहां भी पढ़ाए थे ना सर्वेशान जी, उसी ग्रुप में तो थे प्रणवानंद जी, पर ये भी पढ़ा है आपके अखंडानंद भी, यहाँ पाठ चलते तो उसमें आते थे बैठते थे, 98 से पढ़े हो तो 2003 तक, तो कई लोग पढ़े हैं, कई ग्रुप पढ़ा चुके। तो वायु उत्पत्ति बाह्य तुच्छन्ति गल बिलस्य संकोचनात्, देखो गले में जो बिल है इसके संकोच होने से विवाह, अब बाहर कहाँ आएगा बाह्य परत बताओ, गला बाहर है क्या, जिसका विवाह उस क्षेत्र का संकोच होने पर जो कह रहे हैं ये जब क्या संज्ञा हो जाता है संवार, पश्चे विकास जो उच्चारण करे तो उसे विकास होता है उस द्वार का, उसका विवार ये तो जो संवृत्त विवृत्त रूपाभ्याम आभ्यंतराभ्यंत भिन्नो वेव, इन समृत प्रयत्न विवृत जो कही गई उससे ये दोनों भिन्न है समझ लेना बाह्य वाले, कि धातु वही है ना, उपसर्ग भी वही है, प्रत्यय मात्र है ना, वह समृत या संवार, विवृत या विवार, धातु प्रत्यय ये प्रत्यय भेद कर दिया, धातु उपसर्ग एक ही है, इन प्रत्येक में एक ही अर्थ में मान करके एक ही नहीं मानना, ये कह रहे हैं वो आभ्यंतर में जो नाम रखा गया वो सोच समझ के अलग दृष्टिकोण से रखा गया, यहाँ उसी चीज को इसे अलग प्रत्येक की तरह अलग से प्रयोग करते हैं। तयो समीप दूर अवस्थानात्मक वहां पर क्या है सामीप्य अवस्था और दूर में अवस्था, वायु का स्थान के समीप आना और दूर में रहते हुए ही कार्य संपादन करना, यहाँ उसमें से उस समृद्ध और विवृत का, और यहां पर क्या है गल के छिद्र का संकोच और विकास, दोनों में फर्क हुआ कि नहीं, इतना इन्होंने कहा है। और भाग्य बाल मनोरमा का जो शेष है देखिए कहा छूट गया था वो नो किम ये तुल्यास सूत्र है यद किंच स्थान साम्य विवक्षितम उतव व्याव स्थान साम्या, तुल्यास प्रयत्न सवर्ण में विचार करके निर्णय लेना है जो स्थान की सादृश्यता अपने का तुल्यो आस्य प्रयत्न ययो जिन दो वर्णों का आस्य तुल्य है और प्रयत्न तुल्य है, आपने कहा ठीक है इन कई वर्ण ऐसा है जिसके दो दो स्थान है, कई वर्ण ऐसा है जिनके दो स्थान है, कंठ तालु है कंठोष्ठ है दंतोष्ठ है, ऐसे दो दो स्थान वाले भी हैं, उनमें से आधा मिल जाए तो भी काम चलेगा कि नहीं, स्वर्ण संज्ञा हो जाए, पूरा मिलना जरूरी है क्या ये पूछ रहे पूर्व पक्षी, यावत स्थान में पूरा का पूरा मिलना जरूरी है, तब क्या होगा कंठ तालु का कंठ तालु वर्ण के साथ ही स्वर्ण संज्ञा होगा, और थोड़ा सा काम चलेगा तो कंठ तालु वाला जो वर्ण है उसका केवल कंठ वाले वर्णों के साथ भी स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा, केवल तालु वर्ण वालों के साथ भी स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा, तो किंचित सादृश्यता लेते हैं तो होगा, तो होने दो ये कोई कहे होने दो अधिक से अधिक स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी, अच्छा है ना, नहीं नहीं बिगड़ जाएगा सब रूप, जो प्रयोग है जो व्यवहार में है वो बिगड़ जाएंगे, जैसे भवत्येव रूप है प्रयोग होता है भवत्येव भवती धन एव भवती में एकार है नहीं पर में एकार है, ये क्या है तालु, एकार क्या है कंठ तालु, तालु तालु मिला दो स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा ना, है कि नहीं, स्वर्ण संज्ञा हो गया फिर क्या होगा आकाश स्वर्ण दीर्घ हो जाएगा, कर खत्म यण हो रहा था भवत ये वो बना रहे थे भवती वो हो जाएगा, पर ना हो इसे यावत स्थान साम्य कहा, वही कह रहे देखिए अब न तावत आद्य यावत स्थान साम्य में भी समस्या है, तो दोनों में समस्या आएगी कैसे समाधान करेंगे देखिए, पहले किंचित स्थान साम्य का निषेध कर रहे हैं, न तावत आद्य मैंने किंचित स्थान साम्य पहला पक्ष, तथा सती इकार से एकार से तारु स्थान एकत्या सावर्ण्य आपत्तौ भवत्येव इत्यत्र इकाराद एकारे परे सवर्ण दीर्घापत्ते है, नच एकार से वर्ण समामनाये पाठ सामर्थ्य अधिकार न सावर्ण्यम, शास्त्रार्थ करते हुए खड़ा हो गया महाराज, चाहे आप आस किंचित आस तुल्यता कर लो फिर भी इनका आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती, क्यों यदि इनका आपस में सवर्ण संज्ञा होता फिर वर्ण समामनाय में इनको अलग से क्यों पाठ करते, ई के द्वारा ये भी पकड़ में आ जाएगी नहीं स्वर्ण संज्ञा है, आगे आनंद क्या कहेगा
जो अ ई उ वर्ण सवर्ण सुना हुआ है वो अपने सवर्णों का बोध हो जाएंगे, तो ये भी अपने सवर्ण का बोध कराएगा ना। ये क्या करता है, अपने 18 का बोध कराता है, और ये का 12 को भी बोध करा देगा, वो आई का 12 का भी बोध करा देगा वो, कि ये और आई में भी आस्य सादृश्यता को लेकर के उनसे बोध हो जाएगा। फिर ये ओम गयो सूत्र की जरूरत ही नहीं, इसलिए। लेकिन भगवान शिव जी ने अलग उसको बनाया है, इसे मानना पड़ेगा। ई और एम में स्वर्ण संज्ञा नहीं होगा, इसलिए ये जो दृष्टांत आपने दिया भवत्येवा ये ठीक नहीं है। ये तीन पक्ष को खंडन करने के लिए ऐसा पूर्व पक्ष खड़े होकर बोल रहा है, देखिए एकार से वर्ण सुनामना ये पाठ सामर्थ्या, एकार को इकार से अलग स्वतंत्र सूत्र बना करके वर्ण समय पाठ करने की वजह से इकारेण मानी इकार के साथ उसका न सवर्ण्यम इतना वाच्यम कहते, उसका फल अलग है। सवर्ण संज्ञा निषेध करने के लिए शिव जी ने अलग डमरू बजा दिया, ऐसा रत्न कैसे ले ली। ये का एक कैसा सवर्ण संज्ञा ना हो इसलिए अलग डमरू बजे, निर्णय आप कैसे लोगे। बल्कि उसका पीछे दूसरा रहस्य है, एक ग्रसवाद से जो सूत्र आपका वो भी बिगड़ जाएगा। और कहते देखो कि यहां पर समझ, एकार पाठस्य अक इक उक को काट दो इति प्रत्यारेश, उक में तो वैसे भी आना नहीं, उसने तो उक से कोई लाभ नहीं। अक इक इति प्रत्यारेश एकार ग्रहण निवृत्त्यर्थत्व संभवात, कि उसका प्रयोजन कुछ और ही हो सकता है। एकार पाठस्य अक इक इति प्रत्यारेशो एकार ग्रहण निवृत्ति, अलग ग्रहण करने नतीजा क्या निकलेगा, अक में एकार नहीं आएगा, इक में एकार नहीं आएगा, ये प्रयोजन सिद्ध हो गया ना। यदि वो अलग सूत्र ना होते अक इक से भी क्या हो जाता, एकार एकार विग्रहण हो जाता, ई का स्वर्ण संज्ञा होकर के वो किसी स्वर्ण सर वो रो भी पकड़ में आ जाता, अक में भी आ जाता, फिर अक का स्वर्ण दीर्घ में भी समस्या हो जाएगी, एक ग्रसवाद शिशु में समस्या हो जाएगा। इक है ना, इक वहां पर आया, इक में ये हो गया, फिर एच क्यों कह रहे हैं आप अलग से, एच के स्थान में कादेश बोला ना, जब इक में ही एच है फिर अलग से एच के स्थान में कहां से आएगी, वो इक के स्थान में करने वाली बात हो गई नहीं। एच ग्रसवाद सूत्र है या नहीं, वो करता क्या है, वो एच के स्थान में कादेश करता है ना, माने एच क्या हो गया स्थानी, इक क्या हो गया आदेश, भिन्न होते हैं क्या, भिन्न होते हैं, भिन्न होना ही चाहिए ना। यदि आप इक के अंतर्गत ई से ही ये वो पकड़ लोगे तो इक में ही एच आ जाएगी नहीं, जब आ गया तो स्थानी और आदेश अंतर कारण क्या। इस तरह के सूत्र आदि के द्वारा जो कार्य है वह सब अव्यवस्थित हो जाएगा, इसीलिए एवं गयो जो पाठ किया है इकार और एकार के स्वर्ण संज्ञा का निषेध करने के लिए नहीं, किंतु अक्की काल प्रत्यार में ये वायु वाले ग्रहण ना होवे, वो प्रयोजन अलग प्रयोजन किंच इतना ही नहीं। वकार लकार और दंत स्थान साम्यन, इसी पर वकार और लकार देख लो, दोनों में क्या दंत स्थान साम्यता है, वकार में दंतोष्ट ओष्ट अधिक है, इन किंचित सामान्यता से स्वर्ण संज्ञा करोगे वकार और लकार के बीच में स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा। चलो ई और ए में नहीं मानोगे, अगर यहां तो मानोगे स्वर्ण संज्ञा, तब क्या होगा, पर सवर्ण आपत्य तो तद्वान में सावर्ण्य आपत्य तोरली चित्र लकार वकार से भी ग्रहणात, तोरली सूत्र में लकार के द्वारा वकार का भी ग्रहण होने से तद्वान में रूप में आपत्ति आ जाएगा। तद्वान वह है ना, लौ से वग्रहण हो जाएगा, लौ और वग्रहण संज्ञा, इसलिए व के वजह से दकार को क्या होगा लकार हो जाएगा, तलवान बन जाएगा, तद्वान रूप के जगह पर तलवान बन जाएगा। समझ में आ गया ये इनका कारण, दकार से परसवर्ण आपत्ति ही यवल पर यवलावा इधर लकार ग्रहण तो यथासंख्यार्थ भविष्य थी, तब कोई कह सकता है भाई यवल पर यवलावा में वार्तिक कारण य व ल को अलग है ना, व को ल को अलग अलग ग्रहण किया, इसे ज्ञापन होता है व और ल के स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी है। यदि ऐसा कोई कहे तो पहले से जवाब दे दिया, इधर लकार जो ग्रहण अलग ग्रहण किया वो यथासंख्यार्थ के लिए होता है, उसका प्रयोजन अलग है यथासंख्य के लिए। यदि यह वाला दो बार ना कहे होते तो क्या होता, वह से अलग ग्रहण होगा है ना, यववा यववा
ना यव परे यववा, ये सूत्र वार्तिक बनेगा, यव परे यववा में ये निर्णय नहीं होगा ना, वह के स्थान में ल करना है, ल के स्थान में वह करना है, वह के स्थान वही करना, ये निर्णय कैसे होगा? यथासंग में क्या होगा? वह के स्थान वही आएगा अनुनासिक, ल के स्थान में ल ही आएगा अनुनासिक। यह वाले तीन है ना क्रम में, क्रम आदेश करना है आपने, तो वह को वही होगा। यदि न होता तो वह के स्थान ल आदेश कर सकते हैं, किसान संज्ञा तो ही है, अल्लाह के स्थान में वह आदेश हो सकता है, इसलिए वहां जो है पृथक जो उच्चारण किया है वार्तिक कारण है उससे सवर्ण संज्ञा का निषेध ज्ञापन नहीं है, किंतु यथासंग का लाभ किया है। न द्वितीय, ठीक है भाई, हमारा किंचित पक्ष को तो आपने खंडन कर दिया, इसलिए यावत पक्ष मानना पड़ेगा। यावत स्थान पूर्ण रूप में स्थान साम्यता होनी चाहिए, थोड़े साम्यता से काम चलेगी, फिर तो कई जगह गड़बड़ हो जाएगा। और तथा सती कंगयो कंठस्थान साम्यपि गकार से नासिक स्थान आदि किए न सावर्ण अभाव आपत्तो चोकू में प्रांग रूप बनेगा नहीं। प्राग प्राग है ना, उसका जब नुमाजी होता है तो प्रांग बनाते हो, तो कैसे बनाओगे उसको चोकू से? क्योंकि कू से क्या करेगा, कू क्या करेगा, अपने सवर्णों को बोध कराएगा ना, ये तो अपने अनुदित सवर्णचार प्रतिमे का कुछ उठे उदिता कु अपने सवर्णों का बोध कराएगा, जिसको अपने सवर्ण किसको किसको बोध कराएगा, कु क ख ग घ ग का ही बोध कराता है, लेकिन अब आपने यावत स्थान सामी कहोगे तो ग का बोध नहीं करा सकता ना, क्यों ग में दो स्थान अधिक है ना, एक नासिका यमनम नासिका, अच्छा तो पूर्ण सादृश्य तो नहीं मिलेगा क का ग के साथ, इसे कु में कहने से क के द्वारा ng ग्रहण नहीं होगा, क ख ग घ चार ही होगा यावत स्थान सामी कहोगे तो। जब ऐसे सवर्ण संज्ञा ही नहीं है तो अणु सवर्ण से ग्रहण भी नहीं कराएगा उसको, जब ग्रहण नहीं कराएगा तो चौकू सूत्र से क ख ग घ चार ही उपस्थित होगा ना आदेश करने, तब प्रांग कैसे बनेगा, प्रत्यंग वगैरह जो रूप बनाओगे अंत में वो कैसे बनेगा, आदेश तो कर नहीं पाओगे, कि कु से वो ग्रहण ही नहीं हुआ तो आदेश कहां से होगा, यह आपत्ति दे रहा है। चोकु किन प्रत्यय से कु इत्यादि सूत्र ले लो, इत्यत्र ngकार से ग्रहण ग्रहण अनापत्य ग्रहण आपत्ति नहीं होगी, तो प्रांग इत्यादि नुमोलकार से किन प्रत्यय से कुत्व ngकार अनापत्य से गंगा आदेश ही नहीं हो पाएगा, तस्मात स्थान साम्यम दुर्निरूपम, इसलिए स्थान सादृश्य कह तो दिए लेकिन घटा नहीं सकता कोई भी, किंचित सादृश्य घटाऊंगा कई जगह आपत्ति आ रहा है, पूर्ण सादृश्य घटाऊंगा कई और जगह आपत्ति आ रहे हैं, तो सादृश्य कैसे घटाओगे, फिर हो ही नहीं सकता। पूर्व पक्ष ने कहा सूत्र से गलत बेकार बना दिया, जिस गारती ना घटे तो वो सूत्र क्या है, फायदा क्या उसका, तो सिद्धांत के ऐसा मत कहो, अत्र ब्रूम यावत स्थान साम्यमेव सावर्ण्य प्रयोजकम्, यावत स्थान की सदृशता ही सवर्ण संज्ञा का प्रयोजक है, कहते फिर हमने तो समस्या थी खड़ा की थी प्रांग में रूप बनेंगे नहीं, कु कहने से ग्रहण नहीं होगा, सुनो उसका जवाब, एवं च इकार से एकार तालु स्थान साम्य पी, ऐसे स्वीकार करने से यावत स्थान साम्य स्वीकार करने से भवत्यव में अनादि होने में कोई आपत्ति नहीं रहेगा, इकार के साथ तालुस्थान समस्या समान होने पर भी एकार से कंठस्थान आधिक्यात् न सावर्ण्यम्, एकार में कंठस्थान का अधिकता होने से सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, वलयोश्चन सावर्ण्य विषय वलयोर में भी दंताधिक्यात् सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, नहीं दंत समान है ओष्टाधिक्यात् है ना, ओष्ट आधिक्यात् वकार दंतार का वकार और लकारों की सवर्ण संज्ञा नहीं होगा, वकार से ओष्ट स्थान आदि क्या, एवं च तद्वान आसाम, प्रमाण भी क्या है इसमें, सूत्र है तद्वान आसाम उपघातो मंत्रित इष्टकासु लुक्च, एक सूत्र है वो दिया, और यजुषी एकेशा अभी तो व्यण हो रखा है, यजुषी एकेशा इतें निर्देशा उपपन्ना, ये सब जब पाणिनि ने अपने सूत्र में निर्देश दिया है वह भी ज्ञापन करते हैं, यत किंचित साम्यता को लेकर के सवर्ण संज्ञा नहीं होगी, तो ठीक है जी। लेकिन समस्या दूसरा गकार से ग ग गकार से नासिक स्थान आदि की अपि
अंगकार में क्या हो गया था, नासिक सामने बताया था यावत स्थान सामने करोगे समस्या है, नासिक स्थान अधिक है, फिर वहां भी श्रवण संज्ञा नहीं होगा, ये हमने आपत्ति दिया है। आदि स्थान आदि के भी ककारे न सावर्ण्यम अस्ति, ककार के साथ उसे श्रवण संज्ञा हम करेंगे ही, कैसे करोगे भाई, आशी भवस्थान साम्य से ही व सावर्ण्य प्रयोजकत्वात्। अरे नासिका कहाँ है, नासिका कहाँ है, यहाँ इसके भीतर है क्या, अरे बाहर है, ऊपर बाहर बाहर, यहां से इसके अंदर का नाम आशी कहना, पूरा मुख नहीं, उस दिन भी अर्थ करते मैंने कहा था, इसलिए पूरे मुख नहीं लेना, आशी का लक्षण क्या है, होंठ से लेकर काक तक तक लिया, अंदर ही अंदर लेना है, तो नाक नाक बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसे प्रयत्न का श्रवण संज्ञा का प्रयोजक ही नहीं है, वो समान होवे ना होवे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतने अंग का नासिका समान होवे ना होवे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि आशी की समानता होना चाहिए, दो वर्णों के आशियों का समानता होना चाहिए, और आशी के अंतर्गत नासिका नहीं है, इसलिए कू में ककार को ककार के श्रवण संज्ञा होने में कोई समस्या नहीं, तो ककार का स्थान कंठ है, वह का भी आश्य कंठ है, इसे भी आश्य कंठ है, और तो जो नासिका अधिक है कार्य वो आश्य है नहीं, पर हमें सदस्य किसकी देखनी है, केवल आशिका देखना है, इसे कौन गौ का प्रयत्न श्रवण संज्ञा को कौन रोकेगा, कि दोनों का आश्य समान है, ककारे न सावर्ण्य मस्ते व क्यों आस्य भवस्य स्थान साम्य से सावर्ण्य प्रयोजकत्वात् नासिका यश्च आस्य अनंतर्गतत्वात् आस्य के भीतर वो नहीं है, उक्तंच भाष्य वो आका कल का दैर्घ वाक्य भाष्य का वाक्य दैर्घ है, किम पुनरास्यम आस्य क्या है, पतंजलि से पूछा किसी शिष्य ने, जवाब देते हैं लौकिकम, लौकिकाशी ले लो, लौकिकाशी तो पूरा मुकुटे का नाम तो लौकिकाशी हो जाएगा, कहते नहीं नहीं ओष्टात प्रवृत्ति प्राक का कलक का दिति, ओष्ट से आरंभ करके काक कलक पर्यंत, तब कैयट महाराज से टीपू टीका करना भाषिकार का, नहीं जाने पूछा जैसे आप लोग अब नहीं जानते थे कुछ कुछ बोलते रहे, काकलक क्या है, कैयट से पूछा गया आ काकलक बोले काकलक कौन सा अंग है, तब कहते आ काकलको नाम, काकलको नाम, काकलक किसका का नाम है, चुबकस्य अधस्तात्, चुबक कहते किसको, फिर कहे चुबक मालूम नहीं है, ये जो है इसका नाम चुबक, इस चुबक के नीचे चुबकस्य अधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश, ग्रीवा में इसका नीचे जो ग्रीवा है इसमें जो उन्नत प्रदेश है उसका नाम काक, ये कैयट ने अपने टीका में प्रदीप नाम उनकी टीका है महाभाष्य पर उसे स्पष्ट लिखा है, काकलको नाम चुबकस्य अधस्तात् ग्रीवायाम उन्नत प्रदेश कैयट तस्माद् आस्य भव यावत् स्थान साम्यम्, इसलिए सूत्र में हम जो ले रहे हैं यावत् स्थान साम्य कहने का तात्पर्य आस्य में जो स्थान उनकी स्थानों की यावत् सादृश्यता होनी चाहिए वही सावर्ण्य प्रजुमिति शब्देन्दु शेखरे विस्तार, इस बात को शब्देन्दु शेखर टीका में और विस्तार से आप देख सकते हैं। नन तुल्या सूत्र प्रयत्न शब्द है ना प्रशब्द बलाद आभ्यंतर यत्न विवक्षिता, तुल्यास प्रयत्न सूत्र में प्रयत्न शब्द के अंदर का विशेषण भूता जो प्रशब्द है उसके बल पर हमेशा श्रवण संज्ञा का प्रयोजक हमेशा क्या होगा आभ्यंतर प्रत नहीं होगा, तथा आभ्यंतर विशेषण किमर्थम आभ्यंतर विशेषण क्यों दे रहे हो, क्या उसे अलग कोई और दूसरा भी है क्या, कहते हाँ दूसरा है, पूर्व पक्षी पूछने वाले के मन में क्या है व्यावर्त्य बावत, जब कोई दूसरा प्रयत्न ही नहीं है आभ्यंतर क्यों कह रहे हो, केवल प्रयत्न के तो हो गया, कहते नहीं नहीं दूसरा भी है आयत्नो द्विधा, यत्न दो प्रकार के, इसलिए विशेषण देना जरूरी, दो में से किसको लेना है निर्णय लेने के लिए विशेषण से ही निर्णय हो पाएगा, इसे यत्न क्या है दो प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के यत्नों में से जिसको प्र जोड़ा है वो है आभ्यंतर, इसे उसको प्र जोड़ के बोल दिया जाएगा प्रयत्न, एक यत्नोद्विधा, यत्नानाम आभ्यंतरत्वं बाह्यत्वं च वर्णोत्पत्ति प्रागुर्द भावित्वं इति पाणिनीय शिक्षासु स्प
यत्नों में आभ्यंतर और बाह्यता क्या है? कहते वर्णोत्पत्ति से पहले की अवस्था का नाम आभ्यंतर है, वर्णोत्पत्ति ऊर्ध्वभाव स्थिति का नाम बाह्य है। इस तरह से पाणिनि शिक्षा आदि अनेक ग्रंथों में स्पष्ट किया गया है। ओम पूर्णमदः।